बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर पढ़ेंगे, दैट इज टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म्स दो शब्द से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब है सीड, यानी नेकेड सीड्स, प्लांट्स विद नेकेड सीड्स यानी आवरण रहित बीज जिनके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, इन प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। ये ठंडे व शुष्क सभी स्थानों में पाए जाते हैं। भारत में ये सामान्यतः हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ये बहुवर्षीय काष्ठीय वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है जो कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। अब पहले जड़, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है यानी टैप रूट पाई जाती है, लेकिन साइकस जो है उसमें कोरेलॉइड रूट पाई जाती है। कोरेलॉइड रूट का मतलब है उसकी रूट में सहजीवी के रूप में एल्गी पाई जाती है। अब स्टेम, स्टेम ब्रांच्ड यानी शाखित होता है और वुडी होता है, काष्ठीय होता है, उस पर लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स या तो एक ही प्रकार की होती है या जनरली दो प्रकार की होती है, फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। फॉलिएज लीव्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और हमेशा हरी दिखाई देती हैं, जबकि स्केली लीव्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं और शुष्क होती हैं। ये लीव्स स्टेम पर स्पाइरली अरेंज्ड रहती हैं, लेकिन पाइनस में ये लीव्स निडल शेप्ड यानी सुई की आकृति की होती है। अब इसमें रिप्रोडक्शन यानी जनन। ये प्लांट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं यानी इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं जबकि मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी डेवलपमेंट एक से अधिक सेल से स्टार्ट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर बनते हैं। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पर नेकेड होते हैं। सभी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर एक कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं यानी मेल कोन बनाते हैं। इसी तरह सभी मेगास्पोरोफिल्स मिलकर फीमेल कोन बनाते हैं, लेकिन साइकस जो है साइकस में फीमेल कोन जैसी संरचना नहीं पाई जाती। उसमें सभी मेगास्पोरोफिल्स मिलकर कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। अब माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। इसमें एक या दो प्रोथेलियल सेल्स बनती हैं और एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनती है। ये सेल डिवाइड होने के बाद एक छोटी जनरेटिव सेल और एक बड़ी ट्यूब सेल बनाती है। जनरेटिव सेल से मेल गेमिट्स बनते हैं। पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के संपर्क में आने के बाद पोलन चैम्बर में डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ ये अंकुरित होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं। इसी तरह मेगास्पोरो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं।
जो कि न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से घिरा रहता है। इसमें एक या उससे अधिक आर्किगोनिया बनते हैं और प्रत्येक आर्किगोनियम में एक एग और एक वेंट्र कैनाल सेल बनते हैं। अब मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब के द्वारा आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं और मेल गैमीट जो है वो एग से या फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो या भ्रूण बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणिता ये एक विशिष्ट लक्षण है, यानी एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना, लेकिन एक ही एम्ब्रियो विकसित हो पाता है और बाकी नष्ट हो जाते हैं। ये एम्ब्रियो जो होता है ये फिर से जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेता है जो कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इस तरह से स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। थैंक यू।